मुरैना में 65 साल के बुजुर्ग को उसके ही परिवार के लोगों ने लाठियों से जमकर पीटा। बुजुर्ग की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह निकलने के लिए रास्ता मांग रहा था। जब वह पुलिस के पास पहुंचा तो यहां क्रॉस केस दर्ज कर लिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर ने बिना जांच किए ही लौटा दिया। निजी अस्पताल में बुजुर्ग की हड्डी टूटी निकली। इधर पिटाई के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घटना लाल बांस गांव की बताई जा रही है। 65 साल के बुजुर्ग रामजी लाल ने बताया कि उनके रिश्ते में लगने वाले भतीजे ने उनके साथ मारपीट की है। बुजुर्ग ने बताया, हमारे बाबा दो भाई थे जिनके पास 15-20 जमीन थी। यह जमीन दोनों में आधी आधी बांटी हुई है। दोनों परिवार को निकलने के लिए रास्ता चाहिए। भतीजे का परिवार चाहता है कि पूरा रास्ता हमारी जमीन से निकले। नपती के लिए राजस्व अमला आया था, उन्हीं के सामने इन्होंने विवाद किया। इस पर वे चले गए। रिश्ते में लगने वाले राजेश शर्मा, सोनी शर्मा, संजय शर्मा, गोला शर्मा हम पर टूट पड़े। घर पर मेरा भाई 60 साल का राम अवतार था, वह बचाने आया तो उसे भी लाठी डंडे से मारा। मेरे कंधे की हड्डी टूट गई, कोहनी और शरीर के कई जगह चोट के निशान हैं। बुजुर्ग का आरोप है कि बागचीनी थाना प्रभारी जितेन ने पीटने वालों का पक्ष लेते हुए क्रॉस केस दर्ज कर लिया। एक तो वह पिटा, ऊपर से उसके ऊपर केस भी दर्ज हो गया। ये सरासर बेईमानी है। थाने से उसे मेडिकल के लिए जौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। यहाँ मौजूद डॉक्टर त्यागी ने बुजुर्ग को छुट्टी दे दी। तकलीफ ज्यादा होने पर वह जब निजी अस्पताल पहुंचा तो यहाँ कंधे की हड्डी टूटी निकली। बुजुर्ग ने पुलिस और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। TI जितेंद्र गुज्जर का कहना है कि दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों का मकान सटा हुआ है, दोनों ही निकलने के लिए अपनी जमीन से रास्ता नहीं देना चाहते। राजस्व टीम पटवारी ने भी आकर नपती की और दोनों को समझाइश दी, लेकिन वे नहीं मान रहे हैं। विवाद की बात है तो पहले बुजुर्गों ने उन पर हाथ उठाया, जिसके बाद यह मामला बढ़ा और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम बैठे वाले कमिटी आ गई।